जय माता दी दोस्तों, मैं कृष्णा मिश्रा परफेक्ट टीवी नेटवर्क पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही थी काल सर्प योग पे कि काल सर्प योग क्या है और हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है काल सर्प योग। दोस्तों, काल सर्प योग सिर्फ बुरा प्रभाव ही नहीं डालता, काल सर्प योग अच्छा भी होता है। काल सर्प योग की शांति अगर हम करा लेते हैं या उसका उपाय करा लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी जो होने वाली घटनाएं होती हैं वो टल जाती हैं, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में जितने भी नामी हुए हैं, चाहे वो नेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हों, 70% लोग काल सर्पयोग वाले हैं। तो दोस्तों, जो काल सर्पयोग 12 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में, तो मैं आपसे पहले काल सर्पयोग की चर्चा करूंगा। सबसे पहला काल सर्पयोग जो है उसका नाम क्या है और क्या प्रभाव डालता है हमारी जिंदगी में। पहले काल सर्पयोग का नाम है अनंत काल सर्पयोग। अनंत काल सर्पयोग तब बनता है जब हमारी कुंडली में प्रथम भाव में राहु बैठा हो और उससे सातवें स्थान पर केतु बैठा हो, क्योंकि केतु और राहु हमेशा एक कुंडली में आमने सामने ही होते हैं। अगर राहु पहले घर में होगा तो केतु सातवें घर में होता है, अगर केतु पहले घर में होगा तो राहु सातवें घर में आ जाता है। ये अपने कुंडली में अपने घर से सातवें स्थान पे एक दूसरे से विराजमान रहते हैं। तो जब पहले स्थान पे राहु हो और सातवें स्थान पे केतु, दोस्तों बाकी जो ग्रह हैं सात वो उसके मध्य में हो, तो पूर्ण काल सर्पयोग बनता है। लेकिन अगर राहु या केतु की डिग्री से बाकी ग्रहों की जो डिग्री है वो ज्यादा होती है तो वो अर्धकाल सर्पयोग बन जाता है, पूर्ण काल सर्पयोग नहीं बनता। तो जो चाहे वो अर्धकाल सर्पयोग हो चाहे पूर्ण काल सर्पयोग हो, पर हमारी जो प्रभाव है जिंदगी में वो तो डालता ही है, नेगेटिव असर डाल देता ही है, नेगेटिव एनर्जी देता है वो, क्योंकि चोट चाहे छोटी हो या बड़ी दर्द तो होता है। तो अनंत काल सर्पयोग क्या प्रभाव डालता है जिंदगी में वो बताता हूं आपको। अनंत काल सर्पयोग ज्यादातर हमारी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। जिनकी कुंडली में अनंत काल सर्पयोग होता है, पहली बात तो उनकी शादी लेट होती है, मैरिज लेट होती है उनकी, और जब मैरिज हो भी जाती है तो कुछ टाइम के बाद में उनका जो वैवाहिक जीवन है वो उलझ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। चाहे वो किसी लड़की की कुंडली में हो चाहे वो किसी लड़के की कुंडली में हो। तो दोस्तों, मैरिज करने से पहले अनंत काल सर्पयोग की शांति बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैरिज लाइफ पर ही प्रभाव डालता है, क्योंकि ये किसी कारोबार में प्रभाव नहीं डालता, किसी चीज पे प्रभाव नहीं डालता, यह सेहत पर और मैरिज लाइफ पर ज्यादा प्रभाव डालता है। अनंत काल सर्पयोग वालों की ज्यादातर मैरिज लाइफ डिस्टर्ब भी रहती है, और यहां तक कि ऐसे स्थिति में बन जाती है कि उनको डिवोर्स लेने की नौबत आ जाती है एक दूसरे के साथ। तो ये अनंत काल सर्पयोग का प्रभाव है दोस्तों। अनंत काल सर्पयोग के बाद जो दूसरा काल सर्पयोग क्या होता है वो उसका नाम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कल, तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और कल अनंत काल सर्पयोग के बाद में कौन सा काल सर्पयोग है, दूसरे काल सर्पयोग का नाम क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसको जानने के लिए आप परफेक्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहिए। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और देखें, तो कल हम आपको बताएंगे नेक्स्ट काल सर्पयोग के बारे में, दूसरे काल सर्पयोग के बारे में। तब तक इंतजार करिए। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, मैं कृष्णा मिश्रा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं परफेक्ट टीवी नेटवर्क पर। दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही थी काल सर्पयोग के बारे में। दोस्तों, कल मेरी आपसे बात हुई थी
पहले काल सर्प योग के बारे में, जो कि अनंत काल सर्प योग नामक काल सर्प योग है। आज हम आपसे दूसरे काल सर्प योग के बारे में बात करेंगे कि जो दूसरा काल सर्प योग है उसका नाम क्या है और हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है। जो दूसरा काल सर्प योग है वो कुलिक नामिक काल सर्प योग है, उसका नाम कुलिक काल सर्प योग है, कुलिक काल सर्प योग से नाम जाना जाता है। दोस्तों, जो हमारी कुंडली में दूसरे स्थान पर, जिसे हम धन भाव कहते हैं, अगर जो दूसरे स्थान पर जब राहु स्थापित होता है और उससे सातवें स्थान पर आठवें घर में केतु विराजमान हो, तो दोस्तों कुलिक काल सर्प योग बन जाता है। कुलिक काल सर्प योग जो हमारी जिंदगी में प्रभाव डालता है, बहुत ही गलत प्रभाव डालता है। कुलिक काल सर्पयोग वाले जो जातक होते हैं वो ज्यादातर बदनामी, अपनी जिंदगी में बदनामियां करते हैं, बदनाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें गलत संगति मिल जाती है, वो गलत कामों में पड़ जाते हैं, जैसे मांस मदिरा का सेवन करना और पराई स्त्री के साथ संबंध रखना, और भी बहुत सारे गलत काम हैं जो कुलिक काल सर्पयोग वाले जातक करने लग जाते हैं। कुलिक काल सर्पयोग वाले जातक पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, उनकी पढ़ाई बीच में रुक जाती है और बिना मतलब की बदनामियां होती हैं, झूठे इल्जाम लगते हैं, कुछ ना कुछ दुश्मनियां पड़ी रहती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है। कुलिक काल सर्पयोग वाले के अंदर गुस्सा जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है और अपने गुस्से के कारण कई बारी वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, कुलिक काल सर्पयोग अगर आपकी कुंडली में है तो किसी अच्छे ब्राह्मण को दिखा के, जहां भी आप जाते हो, अगर हमसे आप कुछ जानना चाहते हो तो हमारे ऑफिस में आके हमको मिल सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है या कुछ ऐसा है तो उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, कुलिक काल सर्पयोग वाले जो जातक हैं उनका जो लाइफ है, उनकी जो जिंदगी है वो बहुत ही संघर्षमय रहती है। वो अपने दोस्तों से धोखे खाते हैं, दोस्त उनको धोखा देते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही कष्ट भोगते हैं। तो ये था कुलिक काल सर्पयोग और कुलिक काल सर्पयोग के प्रभाव जो हमारी लाइफ में पड़ते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा अगला काल सर्पयोग है, तो तीसरा नंबर काल सर्पयोग है, हम आपको उसके बारे में बताएंगे अगले एपिसोड में। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कुंडली में डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि आप जान सको कि क्या जो आपकी कुंडली में काल सर्पयोग है वो सही है या गलत है। काल सर्पयोग अगर आपकी कुंडली में है तो उसका निवारण अवश्य कराएं, क्योंकि अगर हमारे कहीं शरीर पे चोट लगती है तो हमें मरहम लगाने की जरूरत तो पड़ती है। दोस्तों, कुछ लोग नहीं मानते इन चीजों को, काल सर्पयोग हो गया या कुंडली हो गई या ज्योतिष हो गई, इन चीजों को नहीं मानते। लेकिन जो उस परमात्मा ने बनाया है वो तो है, उसको तो मानना चाहिए और मानना पड़ता है, वक्त के साथ सब कुछ मानना पड़ता है, क्योंकि जो काल सर्पयोग है या ग्रहों के ग्रह नक्षत्र हैं या जो हमारी कुंडली में कोई दुष्प्रभाव दे रहे हैं ग्रह, तो उसका निवारण करना जरूरी है, क्योंकि हमें
पता है कि हाँ ये ग्रह हमारा काम रोक रहा है, या हमारी कुंडली में जो काल सर्प के बारे में आपको बता रहा हूं, यह आपका काम खराब कर रहा है, तो उसका निवारण करने से उसके मसला हल हो जाता है। क्योंकि अगर हमें पता है, हम एक गाड़ी लेकर जा रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं कहीं पर, कहीं हमें जाना जरूरी है और पहुंचना भी बहुत जरूरी है, और हमें जल्दी पहुंचना है अपने जहां पर आप जाना चाहते हैं वहां पर जल्दी पहुंचना अपने स्थान पर, तो आप जा रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी के सामने कोई पत्थर पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? किसी का इंतजार करेंगे कि कोई आएगा इस पत्थर को हटाएगा, फिर आप अपनी गाड़ी लेकर आगे निकलोगे, या आप अपनी समझदारी से खुद गाड़ी से उतरेंगे और उस पत्थर को साइड में करेंगे, और उसके बाद में आप अपनी गाड़ी आगे ले जा करके आप अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये दो रास्ते होते हैं, या तो आप इंतजार करो या फिर उस पत्थर को हटाओ और अपने मकसद पे कामयाब हो जाओ, आप अपने स्थान पर जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचो। इसी तरह एक ग्रह है, अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में आपके लाइफ में कोई रुकावट डाल रहा है, तो वह एक ग्रह जो वही एक पत्थर है जिसको हमने साइड में कर रहा है उसका उपाय करके, तो जब हम उसका उपाय करते हैं तो वो हमारे हक में चलते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिट देते हैं और हमारे जिंदगी को, हमारे लाइफ को सुखमय बनाते हैं। तो दोस्तों तीसरा काल सर्प क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। कल फिर मिलेंगे हम अगले काल सर्पों के बारे में जानने के लिए। आप परफेक्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और परफेक्ट टीवी नेटवर्क देखते रहें। तो दोस्तों इजाजत चाहूंगा, भी कल फिर मिलेंगे हम इसी टाइम इसी वक्त, तब तक के लिए जय माता दी।